नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिलन और हेल्पबॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो 5 kg LPG सिलेंडर है, 5 kg सिलेंडर से इस तरह का छोटा सिलेंडर में आप गैस भर सकते हैं, और इस सिलेंडर से आप कैसे गैस लाइटर जो यूज़ करते हैं आप उसमें कैसे आप गैस भर सकते हैं। तो वीडियो को आप अंत तक देखते ही आप देखते जाइए, आपको पूरा पता चल जाएगा और एक एक करके आपको स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा। तो सबसे पहले जो गैस सिलेंडर होता है उसमें इस तरह का देखिए भाल्व तो रहता ही है, आपने देखा होगा, और उसमें यहाँ पर एक दूसरा तरह का नॉब रहता है, लेकिन आपको ये इस तरह का नॉब मार्केट से ख़रीदना होगा जिसका प्राइस 20 से 25 रुपीस का है, ये आपको ख़रीदना होगा। आपको किसी भी गैस का दुकान होता है वहाँ पर जाकर बताना है कि आपको बड़े सिलेंडर से छोटा सिलेंडर में, मतलब LPG जो लाइटर में भरते हैं, ब्यूटेन लाइटर, उसमें जो गैस भरना है तो आपको इस तरह का भाल्व चाहिए, तो वहाँ पर मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके का है, तो इसमें आपको यहाँ पर लगाना है, ठीक है। तो नॉब है यहाँ पर, आपको सेट कर देना है इस घुमा के, आपको ऐसे टाइट करना है, और उसको सेट करने के बाद आपको प्लास यूज़ करना है और इसको इससे टाइट कर देना है, ठीक है। तो टाइट हो गया अभी, तो अभी क्या करना है आपको, जो सिलेंडर है इसको उल्टा करना है, ऐसा मैं ऊंचा कर लिया और यहाँ पर एक उल्टा करके रखना है, ठीक है, क्योंकि गैस जो है सीधा, मतलब जब आप निकलते हैं तो गैस निकलता है, जब उल्टा आप निकलेंगे तो लिक्विड फॉर्म में निकलते हैं। तो आप अभी इसको ओपन करने देखिए कैसे गैस निकल रहा है, देखिए कैसे निकल रहा है। तो उसके बाद क्या करना है, सिलेंडर को लेना है, और इस सिलेंडर का मैं खासियत आपको बता देता हूँ। इस सिलेंडर में देखिए यहाँ पर एक सील आपको दिख रहा होगा, देखिए, मतलब ये जो नया सिलेंडर होता है, जैसे ये हीट का है, तो उसमें एक पाइप रहता है अंदर में, तो यहाँ पे छेद करके पाइप को निकल के फिर से यहाँ पे सोल्डरिंग किया हुआ है। तो अगर पाइप यहाँ पर अंदर में रहेगा तो आप यहाँ से इस पर गैस नहीं भर पाएंगे, और इससे छोटा सिलेंडर में भी, मतलब लाइटर में भी गैस नहीं भर पाएंगे, तो यहाँ पर इसको छेद करके निकलना पड़ता है पाइप को। उसके बाद आप यहाँ पर ऐसे लगाएंगे इस तरीके से नॉब में, और इसको थोड़ा प्रेस करेंगे, और यहाँ पे नॉब जो है, नॉब को ऐसे घुमाना पड़ेगा, तो नॉब को मैं घुमा देता हूँ। तो अभी देखिए गैस अंदर जा रहा है, तो ऐसे आप गैस बड़ा सिलेंडर से यहाँ से छोटा सिलेंडर में भर सकते हैं। तो उसके बाद बीच बीच में क्या होता है कि यहाँ पे सिलेंडर में हवा भर जाता है, तो उस हवा को निकलने के लिए आपको बाद तब गैस जो अंदर जाना बंद हो जाता है, तो इसको आप प्रेस करके हवा को निकलना होता है। तो थोड़ा आप हवा निकल देंगे तो फिर से यहाँ पर आप गैस भर पाएंगे और अच्छी तरीके से गैस अंदर जा पाएगा। हाँ, तभी तो ये सिलेंडर फुल हो गया। अभी इस तरह का एक भाल्व जो मार्केट में मिलता है गैस का दुकान पे, वो आपको लेना है, इसका प्राइस 1 से 2 रुपए का है, तो इसको यहाँ पर लगा देना है, इसके ऊपर लगा देना है। तो अभी जो गैस निकल रहा है, तो अभी क्या करना है, अभी जब पहले जो सिलेंडर उल्टा करके भर रहा था, तो अभी इस सिलेंडर को उल्टा करना है और इसके ऊपर गैस भरना है। इसके ऊपर जब प्रेस करेंगे तो गैस अंदर आ जा जाएगा। उसके बाद थोड़ा अगर हिलाएंगे तो अभी अच्छा है। तो ये मेरा पहले से ही गैस था थोड़ा, तो अभी देखिए ये फुल लोड हो गया, थोड़ा जो गैप था वो भी फुल हो गया और सिलेंडर इसमें गैस लोड हो गया। तो ऐसे आप बड़ा जो गैस सिलेंडर है उससे मीडियम सिलेंडर में, और इस सिलेंडर से इस लाइटर में जो हम यूज़ करते हैं उसमें गैस भर सकते हैं। तो ऐसा ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलेंगे कुछ नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो अब देखिए गैस जल रहा है मेरा।